नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेम चंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 35। जबकि डॉक्टर साहब का बंगला निकट ही था, पर इन दोनों आदमियों ने एक किराए की गाड़ी की। डॉक्टर साहब के यहाँ पैदल जाना फैशन के विरुद्ध था। रास्ते में विट्ठल दास ने आज के सारे समाचार बढ़ा चढ़ा कर बयान किए और अपनी चतुराई को खूब दर्शाया। पदम सिंह ने यह सुनकर चिंतित भाव से कहा, तो अब हमको और सतर्क होने की जरूरत है। अंत में आश्रम का सारा भार हम ही लोगों पर आ पड़ेगा। बलभद्र अभी चाहे चुप रह जाए, लेकिन इसकी कसर कभी न कभी निकालेंगे अवश्य। विट्ठल, मैं क्या करूं? मुझसे यह अत्याचार देख कर रहा नहीं जाता। शरीर में एक ज्वाला सी उठने लगती है। कहने को ये लोग विद्वान बुद्धिमान हैं, नीति परायण हैं, पर इनके ऐसे कर्म, अगर मुझ में कौशल से काम लेने की सामर्थ्य होती तो कम से कम बलभद्र से लड़ने की नौबत ना आती। पदम सिंह, यह तो एक दिन होना ही था। यह भी मेरे कर्मों का फल है। देखूं अभी और क्या क्या गुल खिलते हैं। जब से बारात वापस आई है, मेरे विचित्र दशा हो गई है। न भूख है न प्यास, रात भर करवटे बदलते रहता हूँ। यही चिंता लगी रहती है कि उस अभागिन कन्या का बेरा पार कैसे लगेगा। अगर कहीं आश्रम का भार सिर पर पड़ा तो जान ही पर बन जाएगी। ऐसे अथाह दलदल में फंस गया हूँ कि जो जो ऊपर उठना चाहता हूँ और नीचे दबा जाता हूँ। यही बात करते करते डॉक्टर साहब का बंगला आ गया। 10 बजे थे। डॉक्टर साहब अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए अपनी बड़ी लड़की मिशकांति से शतरंज खेल रहे थे। मेज पर 2 टेरियर कुत्ते बैठे हुए भरे ध्यान से शतरंज की चालों को देख रहे थे, और कभी कभी जब उनकी समझ में खिलाड़ियों से कोई भूल हो जाती तो पंजों से मोहरों को उलट पलट देते थे। मिशकांति उनकी शरारत पर हंस कर अंग्रेजी में कहती थी, यू नाटी। मेज की बाईं ओर एक आराम कुर्सी पर सैयद तेग अली साहब विराजमान थे और बीच बीच में मिशकांति की चालें बताते जाते थे। इतने में हमारे मित्र जा पहुंचे। डॉक्टर साहब ने उठकर दोनों सज्जनों से हाथ मिलाया। मिशकांति ने उनकी ओर दबी निगाहों से देखा और मेज पर से एक पत्र उठाकर पढ़ने लगी। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी में कहा, मैं आप लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। आइए, आप लोगों को मिशकांति से इंट्रोड्यूस करा दूँ। परिचय हो जाने पर मिशकांति ने दोनों आदमियों से हाथ मिलाया और हंसती हुई बोली, बाबा अभी आप लोगों का जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। डॉक्टर श्यामाचरण, मिशकांति अभी डलहौजी पहाड़ से आई है। इनका स्कूल जाड़े में बंद हो जाता है, वहाँ शिक्षा का बहुत उत्तम प्रबंध है। यह अंग्रेजों की लड़कियों के साथ बोर्डिंग हाउस में रहती है। लेडी प्रिंसिपल ने अब इनकी प्रशंसा की है। कांति, जरा अपनी लेडी प्रिंसिपल की चिट्ठी इन्हें दिखा दो। मिस्टर शर्मा, आप कांति की अंग्रेजी बातें सुनकर दंग रह जाएंगे। हंसते हुए, यह मुझे कितने ही नए मुहावरे सिखा सकती है। मिस कांति ने लजाते हुए अपना प्रशंसा पत्र पदम सिंह को दिखाया। उन्होंने उसे पढ़कर कहा, आप लैटिन भी पढ़ाती हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, लैटिन में अब की परीक्षा में इन्हें एक पदक मिला है। कल क्लब में कांति ने ऐसा अच्छा गेम दिखाया कि अंग्रेज लेडी दंग रह गई। हाँ, अब की बार आप हिंदू मेंबरों के जलसे में नहीं थे। पदम, जी नहीं, मैं जरा मकान पर चला गया था। डॉक्टर, आप ही के प्रस्ताव पर विचार किया गया। मैं तो उचित समझता हूँ कि अभी इस बोर्ड में पेश करने में जल्दी न करें, अभी सफलता की बहुत कम आशा है। तेग अली बोले, जनाब मुसलमान मेंबरों की तरफ से तो आपकी पूरी मदद मिलेगी। डॉक्टर, हाँ लेकिन हिंदू मेंबरों में तो मतभेद है। पदम, आपकी सहायता हो जाए तो सफलता में कोई संदेह न रहे। डॉक्टर, मुझे इस प्रस्ताव से पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट का नामजद किया हुआ मेंबर हूँ। जब तक यह न मालूम हो जाए कि गवर्नमेंट इस विषय को पसंद करती है या नहीं, तब तक मैं ऐसे सामाजिक प्रश्न पर कोई राय नहीं दे सकता। विट्ठल दास ने तीव्र स्वर में कहा, जब मेंबर होने से आपके विचार स्वातंत्र में बाधा पड़ती है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तीनों आदमियों ने विट्ठल दास की उपेक्षा की दृष्टि से देखा, उनका कथन असंगत था। तेगली ने व्यंग भाव से कहा, इस्तीफा दे दें तो सम्मान कैसे हो? लाट साहब के बराबर कुर्सी पर कैसे बैठें? ऑनरेबल कैसे कहलाएं? बड़े बड़े अंग्रेजों से हाथ मारने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो? सरकारी डिनर में बढ़ चढ़ कर हाथ मारने का गौरव कैसे मिले? नैनीताल की सैर कैसे करें? अपनी वक्तता का चमत्कार कैसे दिखाएं? यह भी तो सोचिए। विट्ठल दास बहुत लज्जित हुए।
पदम सिंह पछताए कि विट्ठल दास के साथ नाहक आए। डॉक्टर साहब गंभीर भाव से बोले, साधारण लोग समझते हैं कि इस लालच से लोग मेंबरी के लिए दौड़ते हैं, वह यह नहीं समझते कि वह कितनी जिम्मेदारी का काम है। गरीब मेंबरों को अपना कितना समय, कितना विचार, कितना धन, कितना परिश्रम इसके लिए अर्पण करना पड़ता है। इसके बदले उसे इस संतोष के सिवाय और क्या मिलता है कि मैं देश और जाति की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा ना हो तो कोई मेंबरी की परवाह न करे। तेगली, जी हाँ, इसमें क्या शक है, जनाब ठीक फरमाते हैं। जिसके सिर या आज अजी मुस्कान जिम्मेदारी पड़ती है उसका दिल जानता है। 11 बज गए थे। श्यामाचरण ने पदम सिंह से कहा, मेरे भोजन का समय आ गया, अब जाता हूँ, आप संध्या समय मुझसे मिलिएगा। पदम सिंह ने कहा, हाँ हाँ, शौक से जाइए। उन्होंने सोचा, जब ये भोजन में जरा सी देर हो जाने से इतने घबराते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जाए। लोग जाति और देश के सेवक तो बनना चाहते हैं पर जरा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते। लाला भगत राम धूप में तख्ते पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी छोटी लड़की गोद में बैठी हुई धुएं को पकड़ने के लिए बार बार हाथ बढ़ाती थी। सामने जमीन पर कई मिस्त्री और राजगीर बैठे हुए थे। भगत राम पदम सिंह के देखते ही उठ खड़े हुए और पालागन करके बोले, मैंने शाम ही सुना था कि आप आ गए, आज प्रातःकाल आने वाला था लेकिन कुछ ऐसा झंझट आ पड़ा कि अवकाश ही न मिला। यह ठेकेदारी का काम बड़े झगड़े का है, काम कराइए, अपने रुपये लगाइए, उस पर दूसरों की खुशामद कीजिए। आजकल इंजीनियर साहब किसी बात पर ऐसे नाराज हो गए हैं कि मेरा कोई काम उन्हें पसंद ही नहीं आता। एक पुल बनवाने का ठेका लिया था, उसे 3 बार गिरवा चुके हैं। कभी कभी कहते हैं यह नहीं बना, कभी कहते हैं वह नहीं बना। नफा कहाँ से होगा, उल्टे नुकसान होने की संभावना है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने सुना होगा हिंदू मेंबरों का जलसा हो गया। पदम सिंह, हाँ सुना और सुनकर शोक हुआ। आपसे मुझे पूरी आशा थी, क्या आप इस सुधार को उपयोगी नहीं समझते? भगत राम, इसे केवल उपयोगी ही नहीं समझता बल्कि हृदय से इसकी सहायता करना चाहता हूँ, पर मैं आपकी राय का मालिक नहीं हूँ। मैंने अपने को स्वार्थ के हाथों में बेच दिया है। मुझे आप ग्रामोफोन का रिकॉर्ड समझिए, जो कुछ भर दिया जाता है वही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। पदम सिंह, लेकिन आप यह तो जानते हैं कि जाति के हित में स्वार्थ से पार्थक्य होना चाहिए। भगत राम, जी हाँ, इसे सिद्धांत रूप से मानता हूँ पर इससे व्यवहार में लाने की शक्ति नहीं रखता। आप जानते होंगे मेरा सारा कारोबार सेठ चिमनलाल की मदद से चलता है, अगर उन्हें नाराज कर लूँ तो यह सारा ठाट बिगड़ जाए। समाज में मेरी जो कुछ मान मर्यादा है वह इसी ठाट बाट के कारण है। विद्या और समाज है ही नहीं लेकिन इसी स्वांग का भरोसा है। आज अगर कलई खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे, दूध की मक्खी की तरह समाज से निकाल दिया जाऊं। बतलाइए शहर में कौन है जो केवल मेरे विश्वास पर 1000 रुपये बिना सूद के दे देगा? और फिर केवल अपनी ही फिक्र तो नहीं है, कम से कम 300 रुपये मासिक गृहस्थी का खर्च है। जाति के लिए मैं स्वयं संकट झेलने के लिए तैयार हूँ पर अपने बच्चों को कैसे निरावलंब कर दूं? जब हम अपने किसी कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं तो दोष से बचने के लिए ऐसी प्रबल युक्तियां निकालते हैं कि कोई मुंह ना खोल सके। उस समय हम संकोच को छोड़कर अपने संबंध में ऐसी ऐसी बातें कर डालते हैं जिनके गुप्त रहने ही में हमारा कल्याण है। लाला भगत राम के हृदय में यही भाव काम कर रहा था। पदम सिंह समझ गए कि इनसे कोई आशा नहीं है। बोले, ऐसी अवस्था में आप पर कैसे जोर दे सकता हूँ, मुझे केवल एक ही वोट की फिक्र है, कोई उपाय बताइए कैसे मिले। भगत सिंह, कुंवर साहब के यहाँ जाइए, ईश्वर चाहेंगे तो उनका वोट आपको मिल जाएगा। सेठ बलभद्र दास ने उन पर 3000 की नॉलिश की है, कल उनकी डिग्री भी हो गई। कुंवर साहब इस समय बलभद्र दास से तने हुए हैं, बस चले तो गोली मार दे। फंसाने का एक लटका आपको और बताया देता हूँ, उन्हें किसी सभा का प्रधान बना दीजिए, बस उनकी नकेल आपके हाथ में हो जाएगी। पदम सिंह ने हंस कर कहा, अच्छी बात है, उन्हीं के यहाँ चलता हूँ। दोपहर हो गई थी लेकिन पदम सिंह की भूख प्यास न थी, बग्घी पर बैठ कर चले। कुंवर साहब वरुणा किनारे एक बंगले में रहते थे, आध घंटे में जा पहुंचे। बंगले के होते में न कोई सजावट थी न सफाई, फूल पत्ती का नाम न था। बरामदे में कोई कुत्ते जंजीर में बंधे खड़े थे, एक तरफ घोड़े बंधे हुए थे। कुंवर साहब को शिकार का बहुत शौक था, कभी कभी
काश्मीर तक का चक्कर लगाया करते थे। इस समय वह सामने कमरे में बैठे हुए सितार बजा रहे थे। एक कोने में कई बंदूकें और बर्छियाँ रखी हुई थी। दूसरी ओर एक बड़ी मेज पर एक घड़ियाल बैठा था। पदम सिंह कमरे में आए तो उसे देखकर एक बार चौंक पड़े। खाल में ऐसी सफाई से भूसा भरा गया था कि उसमें जान सी पड़ गई थी। कुंवर साहब ने शर्मा जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया। आइए महाशय, आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए, घर से कब आए? पदम सिंह, कल आया हूँ। कुंवर, चेहरा उतरा हुआ है, बीमार थे क्या? पदम सिंह, जी नहीं, बहुत अच्छी तरह से। कुंवर, कुछ जलपान कीजिएगा? पदम सिंह, नहीं, क्षमा कीजिए, क्या सितार का अभ्यास हो रहा है? कुंवर, जी हाँ, मुझे तो अपना ही सितार पसंद है, हारमोनियम और पियानो सुनकर मुझे मतली सी होने लगती है। इन अंग्रेजी बाजों ने हमारे संगीत को चौपट कर दिया, इसकी चर्चा ही उठ गई। जो कुछ कसर रह गई थी वह थिएटरों ने पूरी कर दी। बस जिसे देखिए गजल और कव्वाली की रट लगा रहा है, थोड़े दिनों में धनुर्विद्या की तरह इसका भी लोप हो जाएगा। संगीत से हृदय में पवित्र भाव पैदा होते हैं। जब से गाने का प्रचार कम हुआ हम लोग भाव शून्य हो गए और इसका सबसे बड़ा असर हमारे साहित्य पर पड़ा है। कितने शोक की बात है कि जिस देश में रामायण जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना हुई, सूर सागर जैसा आनंदमय काव्य रचा गया, उसी देश में अब साधारण उपन्यासों के लिए हमको अनुवाद का आश्रय लेना पड़ता है। बंगाल और महाराष्ट्र में अभी गाने का कुछ प्रचार है, इसलिए वहाँ भावों का ऐसा शैथिल्य नहीं है, वहाँ रचना और कल्पना शक्ति का ऐसा अभाव नहीं है। मैंने तो हिंदी साहित्य का पढ़ना ही छोड़ दिया। अनुवादों को निकाल डालिए तो नवीन हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र के दो चार नाटकों और चंद्रकांता संतति के सिवा कुछ रहता ही नहीं। संसार का कोई साहित्य इतना दरिद्र ना होगा, उस पर तुरा यह है कि जिन महानुभावों ने एक अंग्रेजी ग्रंथों के अनुवाद मराठी और बंगला अनुवादों की सहायता से कर लिए, वे अपने को धुरंधर साहित्य ज्ञानी समझने लगे हैं। एक महाशय ने कालिदास के कई नाटकों के पद्यबद्ध अनुवाद किए हैं, लेकिन वे अपने को हिंदी का कालिदास समझते हैं। एक महाशय ने मिल के दो ग्रंथ का अनुवाद किया है और वह स्वतंत्र नहीं बल्कि गुजराती मराठी आदि अनुवादों के सहारे से, पर वह अपने मन में ऐसे संतुष्ट हैं मानो उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्धार कर दिया। मेरा तो यह निश्चय होता जाता है कि अनुवादों से हिंदी का उपकार हो रहा है, मौलिकता को पनपने का अवसर नहीं मिलने पाता। पदम सिंह को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि कुंवर साहब का साहित्य से इतना ही परिचय। वह समझते थे कि इन्हें पोलो और शिकार के सिवाय और किसी से प्रेम न होगा। वह स्वयं हिंदी साहित्य से अपरिचित थे, पर कुंवर साहब के सामने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते संकोच होता था। उन्होंने इस तरह मुस्कुरा कर देखा मानो यह सब बातें उन्हें पहले से ही मालूम थी और बोले, आपने तो ऐसा प्रश्न उठाया जिस पर दोनों पक्षी की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इस समय मैं आपकी सेवा में किसी और ही काम से आया हूँ। मैंने सुना है कि हिंदू मेंबरों के जलसे में आपने सेठों का पक्ष ग्रहण किया। कुंवर साहब ठाकर हंसे, उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी। पीतल की ढाल जो दीवार से लटक रही थी इस झनकार से थरथराने लगी। बोले, सच कहिए, आपने किससे सुना? पदम सिंह इस कुसमय हंसी का तात्पर्य न समझकर कुछ भौचक्के से हो गए। उन्हें मालूम हुआ कि कुंवर साहब मुझे बनाना चाहते हैं। चिढ़ कर बोले, सभी कह रहे हैं, किस किस का नाम लूं? कुंवर साहब ने फिर जोर से कहा मारा और हंसते हुए पूछा, और आपको विश्वास भी आ गया? पदम सिंह, अब इसमें कोई संदेह न रहा कि यह सब मुझे छिपाने का स्वांग है, और जोर देकर बोले, अविश्वास करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। कुंवर, कारण यही है कि मेरे साथ घोर अन्याय होगा। मैंने अपनी समझ में अपनी संपूर्ण शक्ति अपने प्रस्ताव के समर्थन में खर्च कर दी थी, यहाँ तक कि मैंने विरोध को गंभीर विचार के लायक भी न सोचा, व्यंगोक्ति ही से काम लिया कुछ याद करके। हाँ, एक बात हो सकती है, समझा गया? फिर कहा मारकर, अगर यह बात तो मैं कहूँगा कि म्युनिसिपैलिटी बिल्कुल बछिया के ताऊ लोगों से ही भरी हुई है, व्यंगोक्ति तो आप समझते ही होंगे। बस यह सारा कसूर उसी का है, किसी सज्जन ने उसका भाव न समझा। काशी के सुशिक्षित सम्मानित म्युनिसिपल कमिश्नरों में किसी ने भी एक साधारण सी बात न समझी। शो, महाशो, महाशय, आपको बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा कीजिए, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करता हूँ। पदम सिंह भी मुस्कुराए, कुंवर साहब की बातों पर विश्वास आया। बोले, अगर इन लोगों ने ऐसे धोखा खाया तो वास्तव में उनकी समझ बड़ी मोटी है। अगर प्रभाकर राव धोखे में आ जाए
यह समझ में नहीं आता, पर ऐसा मालूम होता है कि नृत्य अनुवाद करते करते उनकी बुद्धि भी गायब हो गई है। पदम सिंह जब यहाँ से चले तो उनका मन ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी बड़े रमणीक स्थान की सैर करके आते हों। कुंवर साहब के प्रेम और शील ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अभी हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 35। धन्यवाद।